तो पावर बीआई में आज की हमारी क्लास में पावर बीआई है, और पावर बीआई में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी डेटा को पावर बीआई में ऐड करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बताया गेट डेटा पे जाइए और एक्सेल फाइल को रख लीजिए। अब एक्सेल फाइल के अलावा और क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो आते हैं गेट डेटा में। गेट डेटा में आने के बाद जाते हैं हम यहाँ एक्सेल। एक्सेल से मैंने आपको बताया था, तो एक्सेल के साथ आप इस पे एक साथ कई सारे डेटा को भी, सीट को भी ले सकते हैं, लेकिन उसके रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। तो एक्सेल से डेटा लोड करना आपको आ गया। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं मोर पे। मोर पे हमारे पास कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है। इन अलग अलग कैटेगरीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस अलग अलग कैटेगरीज में जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल पे डिस्कस करते हैं। तो फाइल में एक्सेल है, फिर दूसरा नोट पैड। आप नोट पैड के डेटा को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको अपने नोट पैड के डेटा को यहाँ रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप नोट पैड के डेटा को भी लेके आ सकते हैं सिंपल, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लोड कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर होता है डिमिनेटर, जैसे नोट पैड का डेटा आता है तो कुछ सेपरेट किससे होगा ये भी आपको बताना होता है कि सेपरेट कैसे होगा। तो सेपरेट करने के लिए हमने आपको बताया कि हम यहाँ से टैब ले सकते हैं, टैब कॉलन कॉमा सेमी कॉलन या कोई अलग स्पेस है उससे ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद लोड पे क्लिक कीजिए, तो आपका नोट पैड के फाइल, नोट पैड की फाइल यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ देखिए डेटा आ गया। अब बात करते हैं एक्सएमएल डेटा की। तो एक्सएमएल डेटा कैसे लेके आएंगे, तो एक्सएमएल डेटा तो मेरे पास है नहीं, बट मैं एक फाइल को एक्सएमएल में सेव कर देता हूँ। एक मैं सबसे पहले एक फाइल ओपन करता हूं, कोई भी एक फाइल। क्या हुआ, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? अब इस सिक्योरिटी मार्निंग हटा देता हूँ मैं। और यहाँ हम जाते हैं इसमें डिजाइन में, टेबल डिजाइन में कन्वर्ट टू रेंज, यस, और फिर इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, एक नई एक्सेल सीट पे पेस्ट। इस डेटा को सेव एज ब्राउज, और यहाँ एक्सेल वर्कबुक की जगह पे एक्सएमएल स्प्रेडशीट 2003 का हम लेते हैं। 2003 में 65 से ऊपर डेटा नहीं सेव होता है सर। डेटा के नाम से यहाँ एमएफ के अंदर डेटा के अंदर सेव कर देते हैं। हाँ, सेव हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं एक्सएमएल में। तो यहाँ पे हम एक्सएमएल फाइल को गेट डेटा पे जाते हैं, और गेट डेटा पे जाने के बाद मैं अपनी लोकेशन में आता हूँ जहाँ पे मेरा एक्सएमएल फाइल है।
सॉरी गेट डेटा मोर ऑप्शंस सेलेक्ट करना भूल गए थे, और यहां पे हम एक्सएमएल फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं, और यहां पे डेटा में आते हैं एक्सएमएल को था नहीं डेटा के नाम से किया था ना टेक्स्ट है तेरा। और मैं एक्सएमएल फाइल करता हूँ, गलत लोकेशन ले लिया था, ये हमारा डेटा आ गया, देन इसको ओपन करता हूँ। तो देखें एक्सएमएल डेटा को हमने कनेक्ट कर लिया, अब इसमें से कौन सा चाहिए, स्टाइल है यहाँ वर्क, इसमें क्या होता है इसी बताने की जरूरत इसलिए है सर, क्योंकि अगर आप किसी एक्सेल को तो आपने कनेक्ट कर लिया, नोटपैड को भी कनेक्ट कर लिया, नोटपैड पैड कनेक्ट करने में हमने आपको बताया कि वहां पे कॉमा और ये चाहिए होता है, सेपरेटर चाहिए होता है, सेपरेशन, तो वहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक्सएमएल सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज जैसे कि स्टाइल है, जैसे कि आप यहाँ पे आए तो आपका microsoft.com office.com वगैरह, इसमें आपको वर्कशीट सेलेक्ट करना, वर्कशीट में आपको यहां टेबल दिखेगा, ये आपका रो आ गया, डेटा वर्कशीट के ऑप्शंस हैं, ये आपके यूजर नेम्स हैं। तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा, एक्सेल वर्कबुक इसमें बता रहा है कि कितना इसमें डेटा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है कि इसको किसने बनाया है, यहाँ पे एक्सेल के डॉक्टर सेटिंग है, अलाउ पेंस है, वर्कशीट पे हम आते हैं तो वर्कशीट पे टेबल है, रो ये बताता है कितने रो है उसके बारे में बता रहा है, पर डेटा ये नहीं शो कर रहा है। डेटा क्यों नहीं शो कर रहा है, इसे रो है, यहां पे डेटा तो आ गया है इसमें, समय करता हूँ न्यू शीट पे आता हूँ और यहां से करता हूँ वैल्यू पेस्ट, सॉरी वैल्यू पेस्ट करना और इस शीट का नाम देता हूँ डेटा, इस फाइल को मैं यहाँ से सेव एज ब्राउज, एक्सेल वर्कबुक की जगह पे मैं यहाँ पे एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका नाम दे देता हूं डेटा, और इस डेटा को मैं सेव करता हूं, माय डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूं। चलिए और कुछ चेंज करने की जरूरत, सम फीचर्स वर्कबुक भी लॉस्ट एक्सएमएल वर्सेस बीएस राइट, ओके डिफरेंट नेम, डेटा के नाम से सेव किया है। अब ये पावर बी आई में करते हैं, यहाँ पे नेविगेटर यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, डेटा मोर एक्सएमएल फाइल कनेक्ट,
मैं चला जाता हूँ माई डॉक्यूमेंट में, पी डेटा का नाम से है 100। इसने डेटा को सेव नहीं किया है, बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि इतना साइज कम कर दिया इसने। वर्कशीट टेबल रो, वर्कशीट ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ इसमें। ये डेटा नहीं आ रहा, एक्सेल वर्कबुक दिखा रहा है। डेटा आ जाता है, बताया क्यों नहीं? ओके, एक काम और हम करते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि डेटा इसमें है बट डेटा शो नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार इसको लोड करता हूँ यहाँ से। हेलो सर। हाँ हेलो मैम, आपकी क्लास 10 मिनट में स्टार्ट होगी, अभी एक क्लास चल रही है। मैं लॉग आउट कर दूँ? हाँ लॉग आउट करके हो जाएगा, तो दोबारा ज्वाइन करने में सुविधा सुविधा होगी। मेरे फाइल में कुछ प्रॉब्लम है सर, क्योंकि डेटा फाइल यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, सिर्फ स्टाइल वगैरह आ रहा है। एक्सेल पे भी मैं लोड कर रहा हूँ तो सिर्फ टेबल ये दिखा रहा है, रो एंड टेबल दिखा रहा है, इसमें डेटा नहीं दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसको एक्सेल को एक्सएमएल में कन्वर्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ एक्सेल में, या फीचर्स चेंज हो गए हैं। कुछ दिन पहले मैं इसका यूज़ तो किया था, जो एक्सएमएल डेटा सेलेक्ट करना चाहिए। नॉट सेव डेटा बिकॉज वर्किंग डू नॉट कंटेन द एक्सएमएल, क्लिक द हेल्प। ये कुछ एक्सेल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मैप इसको नहीं मिल रहा। क्लिक डेवलपर अप के ओके ओके, यहाँ पे हम आते हैं डेवलपर, एक्सेल इसमें एक्सपोर्ट है नहीं। इसमें एक्सपोर्ट एक्टिव है नहीं।
इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है, इसमें डेटा को। तो संदीप जी, हेलो संदीप जी। हाँ जी सर। वो सर मेरे डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है सही से एक्सएमएल का। क्योंकि क्या होता है सर, एक्सएमएल में क्या होता है, मैप रूट देना होता है, ठीक है, डायरेक्ट फाइल को सेव एज कर देते तो नहीं होता है, लेकिन सम केसेस में ले लेता था, सम केसेस में मैप रूट चाहिए होता है, डेटा की प्रॉपर्टीज करता है, तो यहाँ मैप रूट नहीं है मुझे, तो मैं एक बार पैकेज अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा भी सुबह ही मैंने ऑफिस इंस्टॉल किया है दूसरा वर्जन, तो शायद उसमें प्रॉब्लम लग रहा है, तो एक बार मैं उसको सही कर लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ डेटा में एक बार और ओवर दे देता हूँ आपको मैं, कि डेटा के अंदर आप जाते हैं तो डेटा में आपको यहाँ पे, अब आपके सिस्टम में जैसे कि एक फाइल में आ गई, तो एक्सेल फाइल जनरली करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, एक्सएमएल और जेएसएन फाइल भी कर सकते हैं आप यहाँ से, कोई पर्टिकुलर फोल्डर को भी फाइल में ला सकते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर को कंबाइन करके लाना है, करके लाना, मैं आपको अगली क्लासेस में इसके बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ इस फोल्डर में क्या कर सकते हैं, फोल्डर में से एक तो गया फोल्डर की लिस्ट आप ले सकते हैं, फोल्डर में फाइल की लिस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। मैं ब्राउज किया और मान लीजिए कि मैंने एक फोल्डर MF को ले लिया, राइट। तो पहला काम करेगा कि आपको यहाँ पे इस फाइल में, इस फोल्डर में जितनी भी फाइल लिस्ट है वो आपको फाइल लिस्ट दे देगा, फोल्डर कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और उसके डेटा को भी कंबाइन कर सकते हैं सर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 फाइलें हैं, तो आप 5 फाइल का डेटा एक एक कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट करके फिर इंपोर्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है सर। तो एक बार मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ डेटा वगैरह, उसके बाद मैं बताया ना आपको कि मैंने इसकी भी आईडी चेंज की है, सारा सेटिंग भी कर गया, मैंने परचेज कर लिया है इसका ऑफिस का नया ले लिया है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो मैं सब करके फिर आपको मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ।